हेलो गाइस, तो आज हम जा रहे हैं माउंट ओपेरा, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इवनिंग बहुत प्यारी है आज की, यू कैन सी द सनसेट, हाउ ब्यूटीफुल दैट इज़। तो हैदराबाद बहुत प्यारा है, बस आपको सिटी से थोड़ा बाहर निकलना है। ओके, सो हम सर्विस लेन यूज़ कर रहे हैं बेसिकली रिंग रोड का। सो दिस इज़ अ रिंग रोड एंड मैं घटकेसर साइड से जा रहा हूँ। सो आपको ब्रेकर्स तो मिलेंगे, सी आ गया ब्रेकर, वेट, ये बाइक वाले ब्रेक लगाएगा, ये इसने ब्रेक लगाया, भाई क्या कर रहा है, ये पीछे नहीं देखते। सबसे बड़ी बात है कि आप ब्रेक भी अगर लगा रहे हो ना, तो आप एक बार पीछे देखो कि पीछे वाले की स्पीड क्या है, पीछे वाला कितना दूर है आपसे। आप ब्रेक लगाते समय ध्यान दो। और ब्रेकर्स पे तो बेसिकली आपको पीछे भी देखना है, आगे भी देखना है। सनसेट आप इन्जॉय करो, बहुत प्यारा सनसेट है। ओके, सो बेसिकली माउंट ओपेरा जो पड़ेगा घटकेसर के साइड से, जो माउंट ओपेरा पड़ेगा वो आपका अप्रॉक्सीमेट 25 किलोमीटर पड़ेगा। सो आपको मूसी रिवर भी मिलेगी, सी दिस इज़ मूसी रिवर एंड सनसेट कितना प्यारा लग रहा है मूसी रिवर से, यू कैन सी। एंड रोड बहुत अच्छा है, सर्विस लेन भी बहुत अच्छी है। पैचेस नहीं मिलेंगे आपको, ब्रेकर्स मिलेंगे बट पैचेस नहीं मिलेंगे, खड्डे नहीं मिलेंगे। सो रास्ता बहुत अच्छा है, एंजॉय द राइड। रास्ते के दोनों तरफ जो पहाड़ियाँ कटी है ना, ये मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। हाँ, लेकिन यहाँ पे आप रुक के फ़ोटोज़ मत खिंचाओ, क्योंकि सी यू कैन सी, क्योंकि पत्थर गिरते रहते हैं ऊपर से, तो यहाँ पे फ़ोटो मत खिंचाओ, आप बाइक राइड करते रहो एंड एंजॉय द मोमेंट। सनसेट भाई आज की इवनिंग कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत है, यू कैन सी सनसेट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज का। सो बेसिकली नेचर है ना, हमें नेचर को इन्जॉय करना चाहिए। आजकल के लाइफ में हम सिर्फ मोबाइल और इन सब चीज़ों में रह जा रहे हैं, तो कभी कभी शाम में ऐसे निकलो, इन्जॉय करो मोमेंट्स को, ब्रेकर यार। ओके, सो ब्रेकर बहुत सारे ब्रेकर पड़ेंगे। सो आप बेसिकली, हमें अपनी लाइफ को इन्जॉय करना है, जो भी आप लाइफ, जो भी मिला है, जो भी आपकी लाइफ में जो भी आपको मिला है, जस्ट थैंक टू गॉड कि आपके पास वो है, एंड इन्जॉय द लाइफ। इन्जॉयमेंट के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं, इन्जॉयमेंट के लिए आपकी बेसिकली मैंटेलिटी की ज़रूरत है। अगर चैनल लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर दो। आपके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब से हमें हौसला मिलता है और हम ऐसा वीडियो बनाते हैं, कोई भी यूट्यूबर लाइक मी। सो पहाड़ियाँ स्टार्ट हो चुकी है, एंड आई लव माउंटेन्स। ये है माउंट ओपेरा का गेट। बीच का वीडियो मैं थोड़ा सा डाल नहीं पाया, क्योंकि मैं अकेले वीडियो बना रहा हूँ एंड ट्रैफिक बहुत ज़्यादा तेज़ गाड़ियाँ चलती हैं, हाईवे है, तो वहाँ पे थोड़ा सा रिस्की था, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। बेसिकली आप रामोजी फिल्म सिटी से जब आगे बढ़ोगे 5 किलोमीटर, तो आपको आपके लेफ्ट साइड में माउंट ओपेरा का गेट दिख जाएगा, विजिबल है, बहुत ईजिली दिख जाएगा। सो आपको सीधे अभी जाना है, मैं थोड़ा सा स्पीड तेज़ कर दे रहा हूँ, अंदर जाना है। अंदर चूँकि पहाड़ियाँ हैं, थोड़ा सा आपको चढ़ना पड़ेगा ऊपर। सो बाइक की कंडीशन भी अच्छी होनी चाहिए आपकी, तो थोड़ा सा सही बाइक एंड ब्रेक की कंडीशन देख के आप जाओ, सेफ्टी इंपॉर्टेंट है भाई, इन्जॉयमेंट के साथ साथ सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो अब जो है पहाड़ियाँ स्टार्ट हो गई है, खड्डे बहुत ज़्यादा है, ओप्स। ओके, सो थोड़ा सा ना आप यहाँ पर, आपको थोड़ा सा लेफ़्ट होके चलना है, क्योंकि लेफ़्ट में रास्ते सही हैं। राइट साइड से आप जाओगे तो रास्ता थोड़ा अच्छा नहीं है, खड्डे बहुत ज़्यादा हैं, यू कैन सी कितने सारे खड्डे हैं, बट इट्स ओके। थोड़ा सा ऑफ रोडिंग भी मिल जाती है, रोड पे ऑफ रोड हो रहा है और क्या चाहिए भाई। तो ये है बेसिकली आपका ओपेरा माउंटेन, ये हिली एरिया है आपका। सी द गेट, बहुत प्यारा गेट है। मैं थोड़ा सा और आगे जाऊँगा, लोग वहाँ रुक जाते हैं, बट मेरा जो नेचर है वो एक्सप्लोर करने वाला है। सो सी, मैं आपको कुछ आगे दिखाता हूँ। Amigos, ready for a beautiful view? ये वैली टाइप का लगेगा, सी माउंटेन्स, वैली टाइप का व्यू, और क्या चाहिए, एंजॉय द व्यू।
मैंने माउंट ओपेरा को ऐसे ही नहीं सर्च किया था कि मैंने गूगल पे देखा एंड ऑल, मैंने बस माउंट ओपेरा जगह ढूंढी थी, उसके बाद से इस जगह को एक्सप्लोर करना, इस जगह के बारे में जानना, सब कुछ मैं यहाँ पे आके किया। तो ये जो हिल पॉइंट है ये भी आपको गूगल पे नहीं दिखेगा, बट बेसिकली आप आओ एंड एंजॉय करो। सो दिस इज एंड तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये है चाचा का ढाबा, सेम रास्ते पे ही आपको मिल जाएगा, बहुत ही ऑसम खाना मिलता है यहाँ पे। मैं यहाँ पे जब भी आता हूँ यहाँ पे खाना ज़रूर खाता हूँ। अगर आप नॉर्थ इंडियन खाने के शौकीन हो तो ज़रूर आओ, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में बहुत अच्छा खाना देते हैं ये लोग। सो मैंने यहाँ पे बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है, सो यू एंजॉय।